जेपी नॉर्थ वेस्ट एंड दोस्तों, ये ऐसे लोकेशन पे बना हुआ है जहाँ पे मीरा रोड फाइंडर में देखें तो सबसे ज्यादा एप्रिसिएशन हुआ है प्राइस को लेके उस एरिया में। जितने लोगों ने रहने के लिए भी खरीदा या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए भी खरीदा, सबसे ज्यादा वहाँ पे भाव बढ़ा है। आज ऐसे ही लोकेशन पे एक प्रोजेक्ट है जेपी नॉर्थ वेस्ट एंड, फाइंडर वेस्ट में डेवलप कर रहे हैं, जस्ट मेट्रो स्टेशन के नीचे। आइए जानते हैं। मैं विकास भरनवाल, चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर सीपी एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास भरनवाल पे। हम लोग कस्टमर के लिए 0% ब्रोकरेज में काम करते हैं डेवलपर के साथ, और आज जानेंगे कि जेपी वेस्ट एंड के बारे में क्या है वहां पे। जनरली आप ये समझ लें कि जेपी इंफ्रा जो है ये एक बड़े डेवलपर है, काफी सारा काम इन्होंने किया हुआ है। भाइंदर वेस्ट में काफी बड़ा लैंड इन्होंने एक्वायर किया हुआ है और ये जस्ट मैक्सेस मॉल के बैक साइड में बना रहे हैं। ये तो इन्होंने कई बिल्डिंग टावर्स बनाया है, जिसमें कुछ प्रोजेक्ट के मैं नाम बताऊं, यूनिटी टावर, जेपी डेक, सैलेट अमर, नॉर्थ सेलेस्ट, एस्टेला, बार्सिलोना, हॉट केक, ऐसा इन्होंने कई प्रोजेक्ट अलग अलग लोकेशन में गोरेगांव, जुहू बीच, मीरा रोड, वर्ली, ऐसा इन्होंने बनाया हुआ है। तो आज भाइंदर वेस्ट में जो इन्होंने लॉन्च किया है उसके बारे में बात करूंगा। ओवर 4000 सैटिस्फाइड फैमिलीज विद आवर कंपनी Because we are working with Mumbai best reputed builders with 100 plus team members. We are providing services like your dreams, and we have received 100 awards and certificates with over 15 years of experience and 1200 project reviews on YouTube. The best real estate company. प्रॉपर्टी प्लाजा विकास वर्णवार। ये करीबन 3 एकड़ का इसका फ्री होल्ड लैंड एरिया है, दो उसमें 47 स्टोरी टावर है, 47 माले का दो टावर है, और एक टावर में 3 विंग्स हैं और एक टावर में 2 विंग्स है, टोटल 5 विंग की पूरी सोसाइटी है, पूरी लग्जरियस लाइफस्टाइल के और एमिनिटीज के साथ बना रहे हैं ये। हर एक फ्लोर पे 8 फ्लैट, 3 हाई स्पीड लिफ्ट और 2 स्टेयरकेस है इसमें। अब इसमें ए, बी और सी में 6 से 8 फ्लैट पर फ्लोर बना रहे हैं। ग्राउंड फ्लोर से लेके 5th फ्लोर तक इसमें पूरे पोडियम पार्किंग दिया हुआ है, 6th फ्लोर पे पूरे एमिनिटीज दिया हुआ है, और 7th लेवल से फर्स्ट रेसिडेंशियल फ्लोर स्टार्ट हो रहा है। ये इसका रेरा का क्यूआर कोड है, इस क्यूआर कोड के थ्रू आप स्कैन करके रेरा के वेबसाइट पे जा सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या वहाँ पे साइजिंग प्राइजिंग अप्रूव्ड हुआ है। और अगर आप रेरा नंबर के थ्रू रेरा के वेबसाइट पे जाके चेक करना हो कि क्या प्रोजेक्ट रिलेटेड अप्रूव्ड हुआ है, इस प्रोजेक्ट का रेरा नंबर है P517000532। अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदना है ना तो एक बार रेरा के वेबसाइट पे जाके जरूर देखना चाहिए, क्योंकि वहां से काफी सारी चीजें आपको क्लियरिटी मिल जाती है। रेरा में इसका पोजीशन डेट December 2029 दिया हुआ है और बिल्डर का पोजीशन डेट June 2027 है। सीसी पूरे टावर का रिसीव्ड है, इसमें आपको फॉरेस्ट व्यू फ्लैट है, सी व्यू फ्लैट है, क्रिक व्यू फ्लैट है, सारे बैंकों से अप्रूव्ड भी है। किसी भी बैंक से आप लोन लेना चाहें इजिली आपको लोन मिल जाएगा, जिस भी बैंक में आपका सर्विस अकाउंट हो, बिजनेस अकाउंट हो। थोड़ी देर में मैं कॉन्फ़िगरेशन पे आता हूँ, साइजिंग प्राइजिंग पे आता हूँ। एमिनिटीज में इन्होंने योगा गार्डन, जॉगिंग ट्रैक, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, जिमनासियम, सिक्योरिटी सिस्टम, मल्टीपर्पज कोर्ट, किड्स प्ले एरिया, इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स, तो ये सारा लग्जरियस वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज आपको यहाँ पे देने वाले हैं ये। साथ ही साथ यहाँ का जो अट्रैक्शन है वो मैं बता दूं कि जैन मंदिर यहाँ से बहुत नजदीक में बना हुआ है, ये प्रमाइसिस में यानी कि सोसाइटी में ही जैन मंदिर आने वाला है। राधा स्वामी सत्संग का जो यहाँ बहुत बड़ा एरिया है, जहाँ पे राधा स्वामी के जो सत्संगी लोग हैं उनके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे हर साल उनके गुरु आते हैं, जो इसके जस्ट प्रोजेक्ट के अपोजिट में ही है। मैक्सेस मॉल यहाँ से हार्डली 1-1.5 मिनट का वॉकिंग है, डी मार्ट बिल्कुल पास में है, और सबसे अच्छा प्लस पॉइंट तो ये है कि अगर आपको कनेक्टिविटी के लिए कहीं जाना हो तो बिल्डिंग से बाहर निकलते ही आपको मेट्रो स्टेशन मिल जाता है। दोस्तों दहिसर से जो भाइंदर लिंक रोड बन रहा है वो लिंक रोड बिल्कुल इस प्रोजेक्ट को टच करके ही आ रहा है, तो वहां से कनेक्टिविटी की बहुत अच्छी सुविधा है इन फ्यूचर के लिए। आसपास की कुछ कनेक्टिविटी के बारे में जानते हैं। 2 से 5-7 मिनट के अंदर आप मैक्सेस मॉल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ग्राउंड, जॉगिंग साइकिलिंग एरिया, पिज्जा हाउस, मैकडोनल्ड, डी मार्ट, ये सब आप हार्डली 2 से 5 मिनट के अंदर वॉकिंग पहुंच जाते हैं। 10 से 15 मिनट के अंदर आप भाइंदर स्टेशन पहुंच जाते हैं। ये सब इसके कनेक्टिविटी काफी खूबसूरत है, काफी बढ़िया है। अब आसपास में मैं कुछ मॉल्स और थिएटर की बात करूं, ठाकुर मॉल, मैक्सेस मॉल, पीवीआर सिनेमा, ये सब आपको
5 से 10 मिनट 15 मिनट में आप रीच कर जाते हैं। अब आइए इसका हम समझते हैं साइजिंग और प्राइजिंग कॉन्फ़िगरेशन क्या है। 1 BHK, 2 BHK और 3 BHK तीन टाइप की प्रॉपर्टी यहाँ पे बना रहे हैं ये। साथ ही साथ 1 प्लस 1 BHK की जोड़ी, 2 प्लस 2 BHK की जोड़ी और 2 प्लस 1 BHK की जोड़ी, ये जोड़ी फ्लैट्स का अगर आपको रिक्वायरमेंट हो, बड़ी फैमिली है साथ में रहना हो तो आप जोड़ी फ्लैट भी इसमें परचेस कर सकते हैं। 1 BHK में दो कारपेट एरिया है, 410 एंड 510, 410 और 510 स्क्वायर फुट का दो टाइप के फ्लैट्स हैं। प्राइसिंग की बात करूं आपको 63 से लेकर 70 लाख के बीच में, यानी कि 63 से 70 लाख के बीच में इसका प्राइस है 1 BHK का। 2 BHK का कारपेट एरिया 650 और 790 स्क्वायर फुट का है, 650 एंड 790। दो साइज में इसके 2 BHK का कारपेट एरिया है जिसकी प्राइस 99 लाख टू 1.08 CR, यानी 99 लाख से लेके 1 करोड़ 8 लाख के बीच में आपको 2 BHK का प्राइस आने वाला है। अब आते हैं 3 BHK में। 3 BHK में दो साइज है, 893 एंड 1093, 893 और 1093, दो साइज में 3 BHK बना हुआ है जिसकी प्राइस 1 करोड़ 35 लाख से लेके 1 करोड़ 48 लाख, यानी 1.35 CR to 1.48 CR, ये इसकी प्राइस है तीनों टाइप के फ्लैट का। और एक्स्ट्रा अगर आप पार्किंग लेना चाहें तो 7 से 8 लाख रुपए का पार्किंग है, जो बड़ा पार्किंग है वो हम बात करेंगे, साथ ही साथ दूसरा छोटा पार्किंग वो 4 से 5 लाख रुपए का है। ये जो मैंने प्राइसिंग दिया है, एक मैंने टेंटेटिव आइडिया दिया है, ये प्राइस सारे नेगोशिएबल है, अंडरस्टैंडिंग इसमें होगा। एक मैंने बेसिक आपको अंदाजा दिया है इतने प्राइस में आपको फ्लैट यहाँ पे मिलेगा, वो सब हम बात करेंगे। आप ऊपर दिए हुए नंबर पे फोन करें, क्या इसमें पेमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी है, साथ ही साथ आपका पेमेंट फास्ट है, कैसा है लोन है, उसके ऊपर हम प्राइजिंग में बात कर सकते हैं। ये जो मैंने बताया है ये प्रॉपर्टी का बेस प्राइस है, इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन, स्टाम्प ड्यूटी, GST ये सब आपको अलग से आएगा दोस्तों। तो ये मैंने आपको प्रॉपर्टी का डिटेल दिया है JP वेस्ट एंड का। आगे का वीडियो आप जरूर देखें, उसमें मैंने टेक्निकली काफी चीजें बताया है कि बिल्डर का सेल्स प्रोसेस क्या होता है और कैसे वो प्राइस डिसाइड करते हैं, ताकि आपको पता चले आप जब भी प्रॉपर्टी खरीदें तो आपको पता हो कि नेगोशिएट करने में कैसे आसान हो जाता है। आगे का लर्निंग जरूर देखें। बहुत सारे लोग हमारे इस वीडियो को देखने के बाद डायरेक्ट चले जाते हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं प्रॉपर्टी डायरेक्ट लूंगा तो हमारा ब्रोकरेज का फीस, यानी CP जो चैनल पार्टनर होते हैं उसका ब्रोकरेज चार्ज बच जाएगा। दोस्तों आपको एक बार बता दूं, बिल्डर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो वहां पे बैठ के प्रोजेक्ट को बेचे, क्या क्या चीजों को वो इंक्लूड करते हैं। जब कोई भी फाउंडेशन वो डालते हैं ना किसी प्रोजेक्ट का है, तो एक नई कंपनी बनाते हैं ज्वाइंट वेंचर में या फिर खुद की CA के द्वारा, और उसके बाद क्या क्या चीजें कैलकुलेट होता है एक प्रोजेक्ट को सेल करने के लिए, वो आज आप ध्यान से समझें। पहले तो लैंड का प्राइस कैलकुलेट होता है, उसके बाद जो CA के चार्जेस होते हैं, इंजीनियर का चार्जेस होता है, आर्किटेक्ट का चार्जेस होता है, साथ ही साथ ये सब होने के बाद फिर वो कंस्ट्रक्शन होगा, उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, चलो इस कंस्ट्रक्शन को पूरे बिल्डिंग को कंप्लीट करेंगे और बना के उसको हैंडओवर। साथ ही साथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, MBMC होती है, BMC होता है, TMC होता है, कहीं ग्राम पंचायत होता है, तो ये चारों जो गवर्नमेंट बॉडी जहाँ पे काम करती है, गवर्नमेंट अथॉरिटी जहाँ पे काम करती है, वहां से परमिशन लिया जाता है। ये तो बेसिक बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन का खर्चा हो गया। इसके बाद ऑफलाइन मार्केटिंग, जो हाईवे पे होर्डिंग्स लगता है, बोर्ड लगता है, उसका पैम्पलेट्स होते हैं, उसका ब्रोशर होता है, उसका ऑनलाइन मार्केटिंग में जिसमें वेब पोर्टल्स होते हैं, जो प्रॉपर्टी पोर्टल्स होते हैं, जिसमें मैजिक ब्रिक, 99 एकर हाउसिंग, ये सब जो पोर्टल्स होते हैं। इसके बाद एजेंट मार्केटिंग की बात करता हूँ, जो रियल एस्टेट एजेंट यानी चैनल पार्टनर्स या प्रॉपर्टी डीलर्स को जो ब्रोकरेज दिया जाएगा, वो भी ये सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर डिसाइड होता है कि प्रोजेक्ट का पर स्क्वायर फुट प्राइस क्या होगा। बिल्डर पहले से ही सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर वो एक पर स्क्वायर फुट प्राइस बनाते हैं। इसके बाद जो वो सेल्स टीम हायर करते हैं, सेल्स टीम का भी जो 2 से 3 साल में क्या खर्च आएगा सेल्स टीम को लेके, एक 10 लोगों की या 8 लोगों की टीम होगी उस प्रोजेक्ट को बेचने में, उसका भी पूरा एक एक्सपेंस जोड़ दिया जाता है। पूरा एक्सपेंस जोड़ने के बाद पर स्क्वायर फुट प्राइस डिसाइड करते हैं, फिर वो फिर मार्केट में लॉन्च करते हैं कि ये प्राइस में बेचना है। तो फ्रेंड्स, कहां से आपका प्राइस बचेगा ये आप एक कैलकुलेशन लगा सकते हैं। आप देखें, कहीं कहीं पे सोल सेलिंग टीम नहीं होती और कहीं कहीं पे उनकी सेल्स टीम नहीं होती, तो किसी किसी को मैंडेट दे दिया जाता है कि भाई मैं 500 से 1000 फ्लैट का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, मेरा काम है बनाना और आपका काम है सेल करना। दोस्तों उसमें ना एक अच्छा खासा पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है, 500 रुपीज पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है मैंडेट टीम की। एक प्राइस डिसाइड होता है कि इतना बॉटम प्राइस आपका है, इसके ऊपर जो भी मैं प्राइस में सेल करूंगा पूरा का पूरा मेरा रहेगा। सपोज
बिल्डर अगर 15,000 रुपए 15,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट अगर प्राइस वो देता है सेल करने के लिए, और मैंडेट टीम जो होती है, सोल सेलिंग टीम जो होती है, अगर वो 16,000 रुपए पर स्क्वायर फुट में बेचती है तो 1,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट का उसको अलग से कमीशन बन जाता है दोस्तों। तो ये कोई आपको नुकसान करने वाली चीज नहीं है। और सीपी के साथ जाने में क्या फायदा है आपको, फर्स्ट टाइम जब विजिट करते हैं ना बिल्डर के प्रोजेक्ट पे, उसी टाइम आप सीपी को साथ में लेके जाएं। नहीं तो कई बार ऐसा मैंने देखा है प्रैक्टिकल की, विकास जी मैंने जाके वहां पे विजिट किया है, अब आप बताइए प्राइसिंग में क्या करा पाएंगे। इस चीज को देख के दोस्तों मैंने कई बार देखा है कि एक बार जब आप बिल्डर के सिस्टम में एंटर कर जाते हैं, उनके सॉफ्टवेयर पे आपका नाम, आपका कॉन्टेक्ट नंबर जब एक बार रजिस्टर हो जाता है, तो आप तकरीबन 3 से 6 महीने के लिए आप उनके साथ लॉक हो जाते हैं। उसके बाद जब क्लाइंट हमारे पास आते हैं, बायर हमारे पास आते हैं कि हमारा प्राइस का क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन का क्या होगा, उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि डेवलपर का ये कहना है कि ये हमारे डायरेक्ट कस्टमर है, इसमें आप इंटरफेयर ना करें। आप इंटरफेयर करेंगे तो फिर कुछ मतलब नहीं है, आपको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, आपको हम काउंट ही नहीं करेंगे। तो कभी भी फर्स्ट टाइम जब आप बिल्डर के प्रोजेक्ट पे जाते हैं तो उसी टाइम अपने सीपी को साथ में लेके जाएं, जिसको भी उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड नॉलेज है। अभी मैं जो भी मार्केटिंग कर रहा हूं ना अपने चैनल पे, इस सारे प्रोजेक्ट का आप देखें तो डॉक्यूमेंटेशन डिटेल सब कुछ हमें पता होता है, तब जाके हम उस प्रोजेक्ट का प्रमोट करते हैं अपने चैनल पे ऑनलाइन या फिर कोई भी वे से। प्रोजेक्ट का क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, उसका भी नॉलेज आपको नहीं है। रेरा के क्या नॉर्म्स लिखे हुए हैं, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट क्या है, कब उसका ओसी आने वाला है, क्या उसका बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट रहेगा, लीगल नॉर्म्स भी आपको पता नहीं होता है। उस एरिया में जो सीपी काम कर रहा है, चैनल पार्टनर काम कर रहा है, उसको पूरा ओवरऑल इन एंड आउट उस प्रोजेक्ट रिलेटेड पता होता है। दोस्तों कई बार हमने ऐसे बुकिंग करवाया है, देखा है कि जो डायरेक्ट कस्टमर गए हैं उन्होंने 15,700 में बुकिंग किया है, मैंने जो और मेरी टीम ने जो बुकिंग करवाया है 15,100-200 में बुकिंग कराया है, कहीं ना कहीं 600-700 रुपए का फर्क पड़ता है। 1,000 से 2,000 स्क्वायर फुट का अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो 700 के हिसाब से 1,000 स्क्वायर फुट की प्रॉपर्टी की कीमत में आपको 7 लाख रुपए का फर्क पड़ता है। करीबन अगर जोड़ी फ्लैट आपने लिया तो 14 लाख रुपए चला जाता है। ये प्रॉपर्टी का मामला है दोस्तों, यहाँ पे ना 2-5 हजार 10 हजार का गेम नहीं होता। अगर थोड़ी सी चीजें आपको पता ना हो ना तो सीधे सीधे 10-15 लाख रुपए आप ज्यादा से ज्यादा दे के आ जाते हैं। और वहां पे क्या डिस्काउंट चल रहा है, क्या स्कीम चल रहा है, क्या ऑफर चल रहा है, कई बार तो ये देखने को मिला है कि बिल्डर प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, स्टाम्प ड्यूटी जो 6% 7% आज के मार्केट में चल रहा है वो डिस्काउंट होता है, कभी कभी रजिस्ट्रेशन चार्ज डिस्काउंट होता है, कभी कभी पीएलसी यानी प्रीफर लोकेशन चार्ज नहीं होता, कभी कभी फ्लोराइज नहीं होता जो आपको पता नहीं होता है, बोर्ड पे लिखा होता है स्टाम्प ड्यूटी डिस्काउंट है, बट अब आप जाते हैं तो डिस्काउंट का टाइम खत्म हो चुका है, अभी आपको स्टाम्प ड्यूटी भरना पड़ेगा, स्टाम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा, और उसके नाम पे फिर आपसे 5 से 10 लाख रुपए ज्यादा ले लिया जाता है। ऐसे मैंने कई जगह एक्सपीरियंस किया है, और बड़े बड़े ब्रांड का मैं आपको बता दूं डेवलपर हैं जिन्होंने ये काम किया है। मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता ऑनलाइन, नहीं तो मेरे ऊपर काफी रिस्क हो चुके, काफी सारे केसेस भी चल रहे हैं, तो मैं ब्रांड का नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन जनरल सी बात बता दूं, बड़े बड़े ब्रांडेड डेवलपर की बात कर रहा हूं जिन्होंने स्टाम्प ड्यूटी डिस्काउंट बोल के कस्टमर से स्टाम्प ड्यूटी का पैसा ले लिया, फ्लोराइड ले लिया, और पीएलसी के नाम पे 4-4, 5-5 लाख रुपया ले लेते हैं ये, कि भाई हम आपको फॉरेस्ट फेसिंग में देंगे तो 5 लाख रुपया एक्स्ट्रा लेंगे, हाईवे फेसिंग में देंगे तो नॉर्मल प्राइस में सेल करेंगे। जो कोई इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो जानते हैं एक प्रोफेशनल्स की कीमत। कई बार मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं एनआरआईस हैं, अब्रॉड के हैं या इंडियंस हैं, तो वो कहीं भी ऑफलाइन ऑनलाइन उनको इन्फॉर्मेशन मिलता है प्रोजेक्ट का, तो वो सामने से आके एक बार कांटेक्ट करेंगे कि विकास जी हमने ये प्रॉपर्टी देखा है, आप या फिर आपका कोई सेल्स पार्टनर हो हमारे साथ चलो, हमें वो प्रॉपर्टी परचेस करना है, क्योंकि उनको पता होता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो हमेशा उस काम को लेकर प्रैक्टिस कर रहा है, उसको जो नॉलेज है, उसको जो एक्सपीरियंस है, वो नॉलेज एक्सपीरियंस के साथ काम करेगा। तो आपका काम रोज का प्रॉपर्टी सेल करना नहीं है, आप 10 साल 20 साल 30 साल में जो लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना वही डायरेक्ट जाते हैं, कभी सीपी को छोड़ देते हैं तो कभी जो उनको रास्ता बताते हैं चैनल पार्टनर या ब्रोकर उनको छोड़ देते हैं और डायरेक्ट चले जाते हैं कि मेरा ब्रोकरेज बच जाएगा। दोस्तों जो हर 2-3 साल में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी में ट्रेडिंग करते हैं, उनका पर्सनली एक सीपी या ब्रोकर या प्रॉपर्टी डीलर होता है जिसको वो हर प्रोजेक्ट पे लेके जाते हैं, वहां पे जाके वेरीफाई करवाते हैं, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चेक करवाते हैं, उनको सामने से ब्रोकरेज भी देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो है वो अपने प्रोफेशन में एक्सपर्ट है, उसको साथ में देना बहुत जरूरी है। ये नए लोग जो 10-20 साल 30 साल में जीवन में एक दो बार प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना, वही
इस टाइप का काम करते हैं कि मैं प्रोजेक्ट पे जाऊं और हमारा ब्रोकरेज बच जाएगा, उसको क्रॉस कर दूं, ये सब कभी ना करें। बहुत सारे नुकसान से आप बच जाएंगे, आपको बहुत बेनिफिट होगा सीपी के साथ जाने में। आप ज्यादा से ज्यादा एक दो या तीन प्रॉपर्टी खरीदते हैं। हम लोग बिल्डर के साथ बल्क में साइन करते हैं, हम लोग 100-200 प्रॉपर्टी बेचेंगे। आप बिल्डर को 2 या 3 करोड़ 5 करोड़ का ट्रांजेक्शन कराएंगे, हम लोग 100-200 करोड़ 300-300 करोड़ दिलवाते हैं। आप एक जनरल सी बात सोचे दोस्तों, बिजनेस माइंडेड लोग जो ज्यादा पैसा देता है ना उसका ज्यादा वैल्यू होता है। अगर हम 200 करोड़ 300 करोड़ बिल्डर को देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, आप 1-2 करोड़ का अगर देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, तो आप वो हमें ज्यादा एंटरटेन करेगा या आपको ज्यादा एंटरटेन करेगा, ये आप समझने की कोशिश करें। हम जाते हैं प्राइजिंग में सीधे, जो वो प्राइस बोलते हैं उसमें 1000 रुपीज 500 रुपए पर स्क्वायर फुट डाउन कर देते हैं कि भाई हम आपको इतना माल बेच के देंगे, इतना प्रॉपर्टी बेच के देंगे, इतना हम टर्नओवर करवाएंगे आपका। बिल्डर भी समझता है कि हाँ ये करवा सकता है, इनके पास इतनी कैपेसिटी है, मार्केटिंग है। वो जो बेनिफिट होता है ना हमें बल्क में बेचने के लिए, वो हम अपने कस्टमर्स को ले जाके देते हैं। दोस्तों एक बात बता दूं, कोई भी डेवलपर कोई भी बिल्डर हमें कुछ फ्री में नहीं देने वाला है। हम पूरा का पूरा टीम जो हमारी काम करती है वो कस्टमर के फेवर में काम करती है। कस्टमर को भी प्राइस कम करवा के देंगे, सर्विस भी देंगे, डॉक्यूमेंटेशन भी चेक करेंगे, साथ ही साथ डेवलपर से जो हमें फीस मिलता है एज ए ब्रोकरेज, एज ए सीपी चैनल पार्टनर का फीस मिलता है वो अलग। तो ये दोनों लेवल पे आपको बेनिफिट हो जाता है। एक आपके साथ एक सर्विस देने वाला पर्सन होता है, दूसरा आप देखें तो डेवलपर को भी एक मोटा पैसा हमारी ओर से 1% उसको दिला देते हैं। वो अगर प्रोजेक्ट बेचने में 1 साल लगेगा तो अगर हमारे जैसे पावरफुल एजेंट्स जो होते हैं जो 100-200-300 प्रॉपर्टी बेचते हैं, जनरली उनको 6 महीने में पूरा प्रॉपर्टी बेच के दे देते हैं, पूरी बिल्डिंग बेच के दे देते हैं। इसके लिए वो हमें ज्यादा एंटरटेन करेंगे, हमारे से प्राइसिंग पे ज्यादा नेगोशिएशन करते हैं। आपसे तो बेहतर ही रहेगा 2-3 प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे, हम लोग 100-200-300 प्रॉपर्टी सेल करेंगे। इसीलिए हम लोग हमेशा कस्टमर के फेवर में ही काम करते हैं, ताकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी लेगा तो ही हम लोग फिर ब्रोकरेज बिल्डर हमें देगा, या तो हम एज ए चैनल पार्टनर वर्क करें, एज ए प्रॉपर्टी डीलर या फिर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट आप हैं तो हम हैं। कस्टमर के लिए ही हम लोग ज्यादातर काम करते हैं, क्योंकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी का पैसा देगा तो ही ब्रोकरेज हमें मिलेगा, ब्रोकरेज फीस हमें मिलेगा। तो हमारा कमिटमेंट हमेशा ये रहता है कि बिल्डर को तो करना ही है, साथ ही साथ कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कैसे मिल जाए, उससे हमें कई फायदे होते हैं। एक फ्यूचर रेफरेंस हमारे लिए बढ़ जाता है, वो अपने रिलेटिव दोस्त को जाके बोलते हैं कि आप प्रॉपर्टी प्लाजा और विकास बरनवाल जी के साथ में काम करो या फिर उनके टीम के साथ में काम करो, आपको बेनिफिट होगा। डिमांड एंड सप्लाई, इन फ्यूचर अगर आप एनआरआई हैं या फिर आप केयरटेकिंग नहीं कर सकते हैं तो उसमें भी हमारी पूरी टीम होती है जो प्रॉपर्टी का केयरटेकिंग करना, बाद में रेंट आउट करना या फिर रीसेल करना हो जब उसका प्राइस एक लेवल पे हाइप हो जाता है तो, या फिर नए प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना उसके लिए कुछ एडवाइजिंग हो गया या नया कोई अर्जेंट सेल प्रॉपर्टी आई तो वो एक नोटिफिकेशन देना, ये पूरी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमारे कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कैसे दिलाएं ताकि वो फ्यूचर में हमारे लिए रेफर करे अपने रिलेटिव को, अपने दोस्त को, अपने आसपास में रहने वाले लोगों को। दोस्तों सीपी के पास कई ऑप्शंस होते हैं, आपको पता नहीं होता कि एक लोकेशन में क्या क्या कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन बट एक चैनल पार्टनर के साथ काम करने में आपको प्रॉफिट क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है, उसके पास कई ऑप्शंस होते हैं जो उसी प्रोजेक्ट से मिलता जुलता है। उसमें भी आपको हेल्प मिल जाता है कि क्या क्या कहाँ कहाँ पे सर्वे करना है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नए प्रॉपर्टी के इन्फॉर्मेशन के साथ। इस तरह के नए नए प्रॉपर्टी में लेके आता रहता हूँ मेरे चैनल पे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ हमारे पास जो अर्जेंट सेल की प्रॉपर्टी आती है, बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी आती है, रीसेल में कभी कभी अर्जेंट सेल में 20-30 लाख रुपए डिस्काउंट पे जो प्रॉपर्टी आती है, हमेशा मैं अपने चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल पे डालता रहता हूँ, ताकि जो लोग सस्ते में बेच रहे हैं यानी उनको पैसे की जरूरत है और जिन्हें चाहिए कम प्राइस में प्रॉपर्टी, तो क्या दोनों का फुलफिल हो जाता है। इसमें हमारी टीम एज ए मीडिएटर काम करती है और दोनों का काम करवा के देती है। ऐसे मैंने हजारों प्रॉपर्टी सेल किया है दोस्तों, कम भाव में लोगों को मिला है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए प्रॉपर्टी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।